एफसी और एनडीपीएट एफसी, इनकम मेथड। सबसे पहला मेथड इनकम मेथड, इनकम मेथड से क्या निकल के आएगा, एनडीपीएट एफसी, जिसका फॉर्मूला है सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। ठीक है जी, सीओई, सीओई मींस, सीओई मींस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सीओई इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है जी, सीओई इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकालने के लिए मुझे इज इक्वल टू में क्या क्या प्लस करना है, फटाफट से एक रिवीजन दे दो मुझे। सीओई में क्या क्या प्लस करना है, एक तो मुझे कैश वाला सीओई प्लस करना है। कैश वाले में क्या आ जाएगा, वेजेस एंड सैलरीज। जरा जल्दी जल्दी बोलना है बच्चे, वेजेस एंड सैलरी। फिर मुझे क्या प्लस करना है, काइंड, 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 वेरी गुड। फिर क्या प्लस करने है, अलाउंसेस। ठीक है, अलाउंसेस प्लस करने है। अलाउंसेस के बाद मुझे एक चीज और प्लस करनी है, याद करो, एसएसएस, वेरी गुड। लेकिन एसएसएस का कंट्री सिर्फ किसकी जुड़ेगी, एसएसएस कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय वाली नहीं जुड़ेगी। ये हो गया सीओई। सीओई के बाद अगला क्या है, ओएस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएस, बी क्विक ऑपरेटिंग सरप्लस, सरप्लस। मेरे हाथ आपसे ज्यादा तेज चल रहे भाई। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएस, ऑपरेटिंग सरप्लस, वेरी गुड। और ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए मानव हम क्या क्या प्लस करेंगे, एक तो रेंट, एक इंटरेस्ट, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट, रेंट इंटरेस्ट, रेंट रॉयल्टी प्रॉफिट, वेरी गुड, रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी। अब नहीं चल रहे हाथ, और तेज बोल ले थोड़ा, चलो चलो, और प्रॉफिट बोलो। सीओई इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कैश, वेजेस एंड सैलरी, काइंड, अलाउंसेस और एसएसएस कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, ओएस में ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी प्रॉफिट, और एमआई में क्या आएगा भाई, एमआई, एमआई कहां गए, एमआई मतलब इनकम। और ये हमें कैसे दे रखी होगी मानव, डायरेक्ट, और हम इसको दे रखी होगी, बस ऐसे दे रखी होगी, मिक्स्ड इनकम हम उठाएंगे और यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही हमें दे रखा होगा, रेंट उठाएंगे लिख देंगे, इंटरेस्ट उठाएंगे लिख देंगे, रॉयल्टी दे रखी होगी वो लिख देंगे, प्रॉफिट वो लिख देंगे। चारों को जोड़ेंगे ओएस आ जाएगा, ऊपर वाली चीजों को जोड़ेंगे सीओई आ जाएगा, एमआई डायरेक्ट होगा। ठीक है, सीओई ओएस और एमआई को जोड़ के एनडीपीएट एफसी आ जाएगा। अब फटाफट से एक आंसर दो, क्या एनडीपीएट एफसी ही नेशनल इनकम है, जल्दी। नहीं दीदी, नहीं दीदी, नहीं दीदी, शाबाश, ये हाँ, चार पांच बच्चों के आ रहे भाई। एनडीपीएट एफसी नेशनल इनकम नहीं है, एनडीपीएट एफसी को हमें नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो हमने कन्वर्जन की वीडियोस में, पिछली वीडियोस में सिखाया है। जिन्हें नहीं आता कोई बात नहीं, देख लेना वीडियोस, और जिन्हें आता है वो कल क्वेश्चंस में से कन्वर्ट करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही है कि इनकम मेथड से एनडीपीएट एफसी निकल के आता है, और एनडीपीएट एफसी का मतलब होता है सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। ये सारी चीजें कल आपको क्वेश्चन में दे रखी होंगी, आप फटाफट से इसको कन्वर्ट कर सकते हो, एनडीपीएट एफसी निकाल सकते हो। दिवस होगी क्लास, हां जी हो गई क्लास, और बताओ और कुछ पूछना है, नहीं हुई तो आधे घंटे की है, वो लगा नहीं होगा तुम्हें, ऑनलाइन है ना, बीच बीच में ब्रेक हो गया, कोई बात नहीं, कल से हम अरे दीदी ऑनलाइन ही आप पढ़ा रहे हो ना, ओहो हो, चलो ठीक है, समझ में आ गया बच्चे जो पढ़ाया, समझ गए समझ गए। सीओई ओएस कल बिजनेस की क्लास, ये नोट कर लीजिए, और दैट्स इट, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप मीटिंग लेफ्ट कर सकते हो, कोई क्वेरी है बच्चे, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा, बाय, कोई क्लास मिस नहीं करनी। कितनी गुजर इसका बस चले तो लॉकडाउन के बाद भी ऐसी पढ़ाओ। ओके जी, ओके, हां दीदी सही कह रहे, कोई क्लास मिस नहीं करनी है किसी को, याद रखिएगा बच्चे, थैंक यू, ओके जी, ओके जी, दीदी थैंक यू, थैंक यू बच्चे। दीदी एक डाउट था, बताइए, जैसे हमें डायरेक्टली सीओई नहीं दे रखा होगा, हमें ऐसे दे रखा होगा कि वेजेस इक्वल टू, और रिकॉर्ड कर ली और सब कुछ, आज से
20 साल बाद या 30 साल बाद मैंने ये क्लासेस किसी इंस्टीट्यूट को दे दी कि भाई आप इसे शो कर सकते हो, मेरे बस की तो है नहीं और पढ़ाना, और आप मुझे सिर्फ रॉयल्टी देते रहो। जैसे होता है कोई सिंगर अपना गाना बेचता है, कोई मूवी वाले अपना नाम बेच देते हैं, जैसे कोई मूवी का पार्ट वन किसी और ने बनाया था, पार्ट टू कोई और बना रहा है, तो पार्ट वन पे उसने कॉपीराइट ले रखा था, अब उसको पार्ट टू बनाना है और वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है पार्ट टू बनाने में, तो वो अपना बेच देता है और क्या लेता रहता है रॉयल्टी। जैसे अभी बताती हूँ आपको, बिल्कुल एक एग्जाम्पल दिमाग में आ गया, जैसे आजकल सॉन्ग्स रीमेक हो रहे हैं, तो जिसका गाना रीमेक होता है ना बच्चे, उसको रॉयल्टी देनी पड़ती है, उसको रॉयल्टी देनी पड़ती है जिसका गाना आप रीमेक कर रहे हो। ऐसे थोड़ी आप किसी का भी गाना उठा के रीमेक कर दोगे, तो सामने वाला बंदा रॉयल्टी लेता है, तो इसीलिए एक रॉयल्टी की भी इनकम होती है। जब आप किसी को अपना नाम यूज करने को देते हो और वो जो आपको पैसे देता है दैट इज रॉयल्टी। ये भी आपको सीधा सीधा दिया होगा, रेंट दिया होगा, इंटरेस्ट दिया होगा, रॉयल्टी दे रखी होगी, और एक सबसे इंपॉर्टेंट इनकम तो रह ही गई, इंडिया में सबसे ज्यादा क्या होता है बिजनेस, तो प्रॉफिट जी। COE, OS, दो समझ में आ गए होंगे। What is COE? Compensation of employees. इसमें क्या क्या जोड़ोगे? Wages and salaries जोड़ोगे, bonus जोड़ोगे, gifts जोड़ोगे, allowances जोड़ोगे और SSS contribution by employer जोड़ोगे। OS, operating surplus, इसमें क्या क्या जोड़ोगे? Rent जोड़ोगे, interest जोड़ोगे, royalty जोड़ोगे, profit जोड़ोगे, और तीसरा हमारा MI, जिसमें कुछ भी नहीं जोड़ोगे, क्योंकि MI का मतलब होता है मिक्स्ड इनकम, मतलब एक्सेट्रा, और ये हमेशा कैसे दे रखी होती है? डायरेक्ट, आपको डायरेक्ट दे रखी होगी, आप बस लिख लेना। तो आपको क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें मैं आपको आपको नेशनल इनकम निकालनी है। इधर देखो, यहां से मैंने क्या बोला था कि क्या सीधा नेशनल इनकम निकल के आएगी जब आप COE प्लस OS